नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। धर्म संसद हेट स्पीच मामले में लगभग चार माह से हरिद्वार जिला कारागार में बंद जितेन नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी रिहा हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितेन नारायण सिंह त्यागी को तीन माह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद जिला कारागार से रिहा किया गया है। आपको बता दें कि जितेन नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जितेन नारायण त्यागी को 13 जनवरी को नारसान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जितेन सिंह त्यागी के अलावा यति नरसिंह आनंद और दिनेश आनंद भारती उर्फ सिंधु सागर महाराज की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें हिंदू सागर महाराज अभी भी जेल में है। दरअसल हरिद्वार में पिछले साल दिसंबर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इस वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और जितेन नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। हरिद्वार से सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।